लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। धीमी शुरुआत के बाद शेयर बाजार में रिकवरी, सेंसेक्स और निफ्टी 20 अंक नीचे, कारोबारी हफ्ते की शुरुआत सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के साथ हुई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में 0.25% की गिरावट देखने को मिली। नई दिल्ली, कारोबारी हफ्ते की शुरुआत सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के साथ हुई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में 0.25% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 11,000 के नीचे फिसल गया और सेंसेक्स में 50 अंक से ऊपर की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन 15 मिनट के अंतराल पर ही दोनों इंडेक्स में तेज रिकवरी देखने को मिली है। फिलहाल सेंसेक्स 20 अंक की गिरावट के साथ 36,561 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 20 अंक गिरकर 10,998 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में दबाव, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली का दबाव दिख रहा है। BSI का मिड कैप इंडेक्स 0.75% लुढ़का है, जबकि निफ्टी के मिड कैप 100 इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई है। BSI का स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% टूटा है। मिड कैप शेयरों में कमिंस, JSW एनर्जी, सन टीवी और अपोलो हॉस्पिटल 3.3-2.1% तक लुढ़के हैं। हालांकि एंडोरेंस टेक, अदानी एंटरप्राइजेज, टोरेंट फार्मा, बर्जर पेंट्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1.9-0.9% तक की तेजी देखने को मिली है। IT को छोड़ सभी इंडेक्स लाल निशान में। फार्मा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बैंक, रियल्टी, मेटल, मीडिया, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 0.4% की गिरावट के साथ 26,829 के स्तर पर आ गया है। हालांकि IT और FMCG शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है।